गुड मॉर्निंग बच्चों, आज दिनांक 27 जनवरी 2021 वर्ग द्वितीय विषय संस्कृत पाठ 10 और 11। पाठ का नाम है मध्यम पुरुष एक वचन और बहुवचन के बारे में पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग पेज नंबर 31, 37 से लेकर 39 तक आप देखिए, पढ़ाई हो रही है आपको मध्यम पुरुष के बारे में। जैसा कि पहले भी आपको हम बता चुके हैं कि मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष एक वचन क्या है, बहुवचन क्या है, इसको पढ़ाई हो गई है। लेकिन आप लोग बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, इसलिए मैं दोबारा फिर बतलाने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, मध्यम पुरुष क्या है? जिस व्यक्ति से बात की जाती है, जिस ब्लैक बोर्ड पर भी है लिखा हुआ, जिस व्यक्ति से बात की जाती है अर्थात जो सुनता है उसको हम मध्यम पुरुष कहेंगे। जिससे हम बात कर रहे हैं, जो हमारी बात को सुन रहा है, वह जो है मध्यम पुरुष कहलाएगा। मध्यम पुरुष में जैसे उदाहरण है त्वम, त्वम मतलब तुम, अयो मतलब तुम सब। तो यही चीज़ जानना है आपको, मध्यम पुरुष एक वचन, एक वचन में आपको के बारे में सबसे पहले आप शब्दार्थ को देखिए। शब्दार्थ हम लिख दिए हैं, युवा मतलब तुम दोनों, युवा मतलब तुम सब, क्रूथ मतलब करते हो, खाता मतलब खाते हो, धावता मतलब दौड़ते हो, पश्यता मतलब देखते हो, अहम मतलब मैं, त्वम मतलब तुम, अव्ययम मतलब हम लोग। अब इसके बारे में थोड़ा आपको जानकारी लेना है विशेष रूप से। जानकारी क्या लेना है? युवाम और युवम दोनों में, युवाम मतलब होता है तुम दोनों और युवम मतलब होता है तुम सब। इसमें किताब में लिखा हुआ है दोनों अलग अलग है, तुम दोनों और तुम सब। युवाम की कुरुथा है, इसमें विसर्ग लगा हुआ है। युवाम की कुरुथा, तुम दोनों क्या करते हो? युवाम पश्यथा, तुम दोनों देखते हो, इसमें विसर्ग लगा हुआ है। ये पाठ 10 का है, लेकिन जब पाठ 11 में हम लोग जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है युवम, युवम की कुरुथ, तुम सब क्या करते हो, इसमें विसर्ग नहीं लगेगा। युवम के साथ विसर्ग नहीं लगाया जाता है। आप लोग संस्कृत में अनुवाद भी बनाएंगे कि तुम सब पढ़ते हो तो तुम युवम पठ, अब जैसे ही तुम लोग खाते हो तो उसमें विसर्ग नहीं लगाना है। तुम सब देखते हो तो युवम पश्यथ, युवम पश्यथ, तुम सब खाते हो तो युवम खादथ, इसमें विसर्ग नहीं लगाना है। तुम सब हंसते हो, युवम हसथ, इस प्रकार से लगाया जाता है। ये दोनों में अंतर है, युवम और युवाम में। इमाम मतलब होता है तुम दोनों और युवम मतलब होता है तुम सब। तो आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। अब मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, किताब निकालें। आप लोग अभी छोटे बच्चे हैं, आप लोग चित्र के माध्यम से ज़्यादा आपको जानकारी मिलेगी। आप चित्र को देखिए, युवाम की कुरुथा, युवाम की कुरुथा, तुम सब क्या करते हो? युवाम पश्यथ,
तुम युवाम, तुम दोनों क्या करते हो? तुम दोनों देखते हो। देखिए बच्चे लोग, दो लड़का खड़ा है, दोनों बच्चे फोटो देख रहे हैं। किनका फोटो? सुभाष चंद्र बोस जी का फोटो में है। इधर महारानी झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई है। दो बच्चे जो हैं, इधर दो लड़का देख रहा है सुभाष चंद्र बोस को, तो इधर दायां तरफ दो लड़की जो है किसको देख रहा है? महारानी लक्ष्मीबाई को देख रही है। इसलिए आप चित्र के माध्यम से ज़्यादा समझेंगे। अब आगे हम पढ़ा रहे हैं, युवाम की कुरुथह, तुम दोनों क्या करते हो? युवाम खादतः, तुम दोनों खाते हो। देखिए बच्चे खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, मुंह में लिए हुए हैं। आइधर दो लड़की भी है, दोनों लड़की भी खा रही है। लड़की का प्रश्न रहेगा, तुम दोनों क्या करती हो? तुम दोनों खाती हो, ये लड़की का प्रश्न और उत्तर हुआ, जवाब हुआ। युवाम की कुरुथ, तुम दोनों क्या करते हो? युवाम हस्त, तुम दोनों हंसते हो। देख रहे हैं इधर दो लड़के हंस रहे हैं, इधर दो लड़कियां हंस रही है। युवाम की कुरुथ, तुम दोनों क्या करते हो? युवाम धावत, तुम दोनों दौड़ते हो। है ना, इधर लड़का दो गो दौड़ रहे हैं, इधर लड़कियां दौड़ रही है दो गो। युवाम की कुरुथ, तुम दोनों क्या करते हो? युवाम कुरुथ, तुम दोनों कूदते हो। देख रहे हैं बच्चे जो है ऊपर से कूद रहे हैं। आइधर दो लड़की भी जो है कूद रही है, आप देखिए चित्र में। युवाम पत्रे अस्थ, तुम दोनों पत्ते हो। बच्चे कह रहे हैं इशारा कि तुम दोनों पत्ते हो। युवाम कमले अस्थ, तुम दोनों कमल के फूल हो। बच्चे बतला रहे हैं, पत्ते को देखकर बोल रहे हैं कि तुम दोनों पत्ते हो और तुम दोनों कमल के फूल हो। इस प्रकार से बच्चों ये पाठ 10 का आपका पढ़ाई हुई, मध्यम पुरुष द्विवचन के बारे में। द्विवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वचन के बारे में फिर बतलाने जा रहा हूँ। पहले भी बता चुके थे कि वचन मतलब होता है संख्या, नंबर, इंग्लिश में नंबर कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं संस्कृत में? वचन 3 प्रकार का होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब होता है जिससे किसी एक वस्तु का बोध हो, और द्विवचन का मतलब होता है जिससे दो वस्तु का बोध हो, और बहुवचन का मतलब होता है जिससे दो से अधिक वस्तुओं का बोध हो, उसे हम बहुवचन कहेंगे। ये संस्कृत में है, हिंदी में आप एक वचन बहुवचन पढ़े होंगे, लेकिन संस्कृत में 3 वचन की जानकारी आपको मिल गया कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब आपको मध्यम पुरुष द्विवचन की पढ़ाई समाप्त होती है। अब मध्यम पुरुष बहुवचन के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। आप देखिए चित्र को, देखिए पेज नंबर 37 है, उसको निकालिए। अब देखिए महात्मा गांधी जी का फोटो है किताब में। बच्चों आप लोग देखिए महात्मा गांधी जी का चित्र को देखिए। बच्चे, बहुत से बच्चे, युवा मतलब होता है तुम सब। अब देखिए बहुत से लड़के खड़े हैं, इधर लड़कियां खड़ी है एक बगल, तो एक बगल लड़के खड़े हैं। और अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं। युवम की कुरुथ, युवम की कुरुथ, युवम की कुरुथ, तुम सब क्या करते हो? युवम पश्यत, तुम सब देखते हो। बच्चे महात्मा गांधी जी का फोटो देख रहे हैं, है ना। इस प्रकार से इसमें युवम में विसर्ग नहीं लगेगा, पश्यत, धावत, ये सब ध्यान देना है।
इवम की कुरुथ, तुम सब क्या करते हो? इवम खादत, तुम सब खाते हो, तुम सब खाते हो। इवम खादत, इसमें विसर्ग नहीं लगेगा। इवम की कुरुथ, प्रश्न बच्चे कर रहे हैं कि तुम सब क्या करते हो। इवम हसत, तुम सब हंसते हो। इस प्रकार से आप देखिए और समझिए। इवम की कुरुथ, तुम सब क्या करते हो। इवम धावत, तुम सब दौड़ते हो। इवम की कुरुथ, तुम सब क्या करते हो। इवम कुर्दत, तुम सब कूदते हो। बच्चे कूद रहे हैं ऊपर से, लड़कियां भी इधर उछल कूद रही है। चित्र को आप देखिए, देखते जाइए। इवम पुस्तकानी अस्थ, तुम सब किताबें हो। तुम सब क्या हो? किताबें हो। इवम चित्रानी अस्थ, तुम सब चित्र हो, पिक्चर हो, तस्वीर हो, है ना। इस प्रकार चित्रानी, पत्रानी जो शब्द आ रहा है बच्चों, यही बहुवचन हुआ। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अनुवाद बनाते हैं वृक्षात पत्राणि पतन्ति। पत्राणि माने बहुत से पत्ते, अनेक पत्ते। उसी प्रकार है चित्राणि, मतलब अनेक चित्र। पुस्तकानि, अनेक किताबें। ये आप समझिए। इस प्रकार से आपको पाठ 10 और पाठ 11 की पढ़ाई हुई। आप लोग शब्दार्थ को सब देख लीजिए, सब ठीक से लिखिए और याद कीजिए। शब्दार्थ याद कर लेने के बाद आपको पढ़ने की रुचि बढ़ेगी। संस्कृत थोड़ा आप लोग बच्चे हैं, करा लगेगा ही वास्तविक, लेकिन जब पढ़िएगा तो बहुत आनंद आएगा और एकदम आसान लगेगा। आप लोग पढ़िए इसको। इस प्रकार से आप लोगों को इसकी पढ़ाई हुई। आप मन ला के पढ़िए और इसमें जो प्रश्न उत्तर है उसको बना लेना है, आपको फेयर कर लेना है। आप इस प्रकार से आप लोगों को आज मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना प्रदान करता हूँ।